नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे सोनभद्र, सेवा कुंज आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में लिया हिस्सा। यूपी के बस्ती में एसटीएफ के हत्थे चढ़ा पीएफआई का सदस्य, आतंकवादियों से जुड़े हैं तार। वसीम रिजवी को इस्लाम से खारिज करने का फतवा जारी, मौलाना बोले वो इजराइल का एजेंट है। भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह का विवादित बयान, बोले ताजमहल को जल्द ही राम महल बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में मार्च में ही लगेंगे 1 करोड़ लोगों को टीके, सरकार ने तय किया जिलेवार लक्ष्य। अब खबरें विस्तार से। भारत एक विशाल विकासशाली देश है, परंतु कुपोषण की अंक तालिका में पड़ोसी देशों से भी पीछे है। इसी राष्ट्रव्यापी समस्या निवारण हेतु सामाजिक संस्था न्यू इंडिया फाउंडेशन एक पहल लगभग 1 साल से प्रयास कर रही है। प्रयास बहुत छोटा है, पर हौसले बुलंद हैं। संस्था सड़क किनारे रह रहे निर्धन बच्चों को प्रत्येक दूसरे और चौथे रविवार को पोषण आहार वितरित करती है। संस्था की इस भारत माता बाल पोषण योजना के लिए आर्थिक मदद संस्था के सदस्य ही करते हैं। आज 14 मार्च को भी लहर की देवी पर लगभग 50 बच्चों को जितना वो पी सकते हैं उतना दूध पिलाया गया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कनिका जैन है। अच्छा। मैं न्यू इंडिया फाउंडेशन संस्था से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा। तो आप क्या करते हैं इन बच्चों के लिए? हम लोग यहाँ पे आके बच्चों के लिए दूध के पैकेट, दलिया और फल वगैरह वितरित करते हैं। ये हम लोग हर महीने के सेकंड और चौथे संडे को आते हैं और बच्चों से उनका बाल पोषण के लिए आते हैं। कब से कर रहे हो ये? ये हम लोग को 6 महीने हो गए करते हैं। अच्छा अच्छा, तो कुछ फायदा मिलता है इससे, क्यों करते हो ये? फायदा मिलता है हम लोगों को, बच्चे अच्छा अच्छा लगता। और पैसा कहाँ से आता है इसके लिए? पैसा हम लोग अपनी अपना इकट्ठा करते हैं। तेंदुआ टोल प्लाजा NH-28 फास्टैग लगने से जाम की समस्या का बहुत बड़ा समाधान हुआ है। जाम की समस्या पूरी तरह खत्म हो चुकी है, लोग 95% फास्टैग लगवा चुके हैं। आशुतोष जी, आप यह बताइए कि टोल प्लाजा से फास्टैग लगने से क्या क्या फायदा हो रहा है? सर, फायदा ये हुआ है कि लंबा जाम से हम लोगों को मुक्ति मिली है जी, टोल वालों को जी, प्लस झगड़ा दंगा कम हो गया है जी। अपना आएंगे, ऑटोमेटिक गाड़ी रीड करेगी, अपने चलते जाएंगे। आप कितने साल से नौकरी कर रहे हैं यहाँ पर? हमको यहाँ पर नौकरी करते हुए 3 साल हो गया। और सरकार की मंशा इसके बाद क्या है, आप बताएंगे कुछ? अब इसके बारे में तो हमें पता नहीं, सरकार देखिए क्या करती है। अरे टोल वाले फास्टैग लेने से फायदा है? कितने परसेंटेज तक टोल प्लाजा का फास्टैग ले चुका है? अरे मान के चलिए 90-95% हो गया है। आज खलीलाबाद स्थित जूनियर हाई स्कूल में आशा कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष सरोज यादव के नेतृत्व में अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना। सीएम को संबोधित, डीएम प्रतिनिधि को दिया ज्ञापन, मांगे ना पूरी होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। सरोज यादव, जिला संत कबीर नगर से आशा संगिनी, जिला अध्यक्ष सरोज यादव बोल रही हूँ। ये हमारी आशा और आशा संगिनी की मांग है कि जो ये जो सरकार टुकड़ी टुकड़ा दे रही है, इसको मुफ्त निश्चित मानदेय दे और राज्य कर्मचारी का दर्जा घोषित करे, और जो राज्य सरकार का बजट है वो BCPM के ऐप से मिले, और बहुत सारी हम लोगों की लोकल स्तर की जो समस्याएं, उत्पीड़न और शोषण हो रही है, उसको जो है बंद किया जाए।
और अगर हम लोगों की मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग आने वाले समय में भयंकर आंदोलन करेंगे कि जो है निश्चित मानदेय और राज्य कर्मचारी का दर्जा घोषित नहीं हुआ तो हम लोग भयंकर आंदोलन करेंगे। जो आपको ज्ञापन दिया, क्या मामला, किस बात को लेकर ज्ञापन दिया है? इनकी बहुत सारी मांगे हैं। इन्होंने कहा है कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, तो ये तो हमारे सरकार का निर्णय है, जब भी होगा तो हम लोग भी चाहते हैं भाई इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। इसके बाद में इन्होंने ज्ञापन दिया है कि इनकी कुछ समस्याएं थी, कि इनके 2-3 महीने से रेगुलर नहीं मिल रहा है, इनका जो मानदेय है वो रेगुलर नहीं मिल रहा है, तो हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। बजट के अभाव में कभी कभी दिक्कत हो जाती है, लेकिन हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि इनका मानदेय समय से मिले। तीसरा चीज़ इनका मान था कि इनको मानदेय के अलावा फिक्स पे मिले, मतलब एक पे बन जाए जो कि उनको फिक्स मानदेय मिले, तो फिक्स मिले, जैसे अभी 2200 मिनिमम मिलता है और उसके अलावा कुछ और मिलता है, किसी को कम मिलता है, तो इनका यही डिमांड था। इसके लिए हम लोग भी चाहते हैं भाई इनको कुछ मतलब मिनिमम कुछ फिक्स करके ज़रूर मिले इनका मानदेय। और साथ में इनकी कुछ पर्सनल समस्याएं थी, जैसे इन्होंने कहा कि हमें बैठने के लिए जगह चाहिए, जहां जब हम आते हैं किसी क्लाइंट को लेकर के, किसी बेनिफिशरी को लेकर के, तो हमें वहां पे एक भाई लेडी है भी, अब तो हमारे साथ में हो सकता है ये आगे अगले साल के हमारे सिस्टम में आ जाए ये कि हम इनको वहां पे बैठने का सुविधा दें। तो हम लोग इस पे पूरे अमल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इनकी सारी समस्याएं का समाधान हो जाए। अज्ञात कारणों के चलते युवक ने लगाई फांसी। मामला जनपद जालौन के चुरखी थाना क्षेत्र के ग्राम 18 कला से सामने आया है, जहां अपने मामा के यहां रह रहे भांजे ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। संत कबीर नगर जनपद के घंटाघर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत दूधरा में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हैसन मंडल अध्यक्ष पीएन सिंह के द्वारा उद्घाटन के अवसर पर प्रतिभागी और दर्शकों को संबोधित किया गया। पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर केस दर्ज, पत्रकारों के साथ अभद्रता एवं मारपीट मामले को लेकर दर्ज हुआ केस। पूर्व सीएम के साथ 20 अन्य अज्ञात सपाइयों के खिलाफ भी केस दर्ज। पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश परासर ने दर्ज कराया मुकदमा। थाना पाकबड़ा में दर्ज हुआ केस, थाना क्षेत्र के होलीडे रेजिडेंसी का मामला। गोरखपुर जिले के विकास खंड बेलघाट ब्लॉक अंतर्गत जेपी चंद्र कॉन्वेंट स्कूल माढ़ा के स्कूल के प्रांगण में वार्षिक उत्सव का आयोजन बच्चों की प्रतिभा, जहां नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी प्रतिभा को अभिभावकों और सम्मानित क्षेत्र जनतागढ़ की उपस्थिति में मोहित कर लिया। वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक संत प्रसाद की उपस्थिति में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। स्कूल के प्रबंधक सत्येंद्र सिंह ने सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और अपने शिक्षकों को इस कार्यक्रम की सफलता का श्रेय दिया। खलीलाबाद तहसील के तेज तरार तहसीलदार राजेश अग्रवाल ने कर्मचारियों के जन कल्याणार्थ तहसील में सुंदरकांड पाठ का आयोजन करवाया। इस कार्यक्रम में घंटाघर तहसील के तहसीलदार रमेश तिवारी ने सुंदरकांड पाठ का आरंभ विधि विधान से पूजन अर्चन कर प्रारंभ करवाया। इस मौके पर सदर SDM आर्यन त्रिपाठी, तहसील के सभी कर्मचारी, लेखपाल एवं लेखपाल संघ के अध्यक्ष बुधराम राम चौधरी आदि लोग उपस्थित रहे। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। नमस्कार।